वेलकम बैक टू माय चैनल दर्शकों की दुनिया। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और कहाँ गायब है आजकल मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे फैंस, मेरे फ्रेंड, मेरे सब्सक्राइबर्स भाई? आजकल बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं यार। ऐसा तो नहीं करो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ब्लॉग्स बनाने में टाइम देना पड़ता है। तो प्लीज़ 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 वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को हमेशा मिलती रहें। और जी ये बन रहा है हमारे घर में मैंगो डिलाइट, जो कि मेरी बेटी बना रही हैं और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो बस वो क्रीम को व्हिप कर रही हैं, और व्हिप करने के बाद जो क्यूब से मैंगो के उसके ऊपर ये थे, उन्होंने जो है सेट कर दिया है। और अब इसके बाद ये इस पर कैंडी बिस्किट जो है उनका क्रैश करके चूरा बनाया हुआ है, और वो सारा कुछ जो है ना इसके ऊपर ये सेट कर देंगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी और बड़ी मज़ेदार सी और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, और बहुत मज़ेदार लगती है। तो सब शौक़ से खाते हैं। तो बस ये रात में मेरी बेटी का कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा था, तो उन्होंने फिर ये मैंगो डिलाइट बनाया और इसको फ्रीज़र में रखा, और थोड़ी देर बाद बहुत मज़ेदार सी एक स्वीट डिश रेडी हो गई और हम लोगों ने इन्जॉय किया। तो काफ़ी इजी सी है, बच्चियाँ बना लेती हैं। और मेरी बेटी को तो भाई वैसे भी कुकिंग का शौक़ है। अभी आपने शुरू में खाओ से देखे होंगे, तो खाओ से बनाए थे उन्होंने, और बहुत ही मज़ेदार खाओ से बनाती है मेरी बेटी। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो आप लोग भी हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करें और हमारी रेसिपीज़ वॉच करें और बना कर देखें। तो वैसे तो सभी की रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं, और जब मुझे किसी की रेसिपी अच्छी लगती है तो मैं बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये तो खैर बहुत ही इजी पीजी सा काम है, जो मेरी बेटी सब बैठी हुई मज़े से कर रही हैं। तो बस मैं वहाँ बैठी हुई थी, तो मैंने भी कैप्चर कर लिया और सोचा चले आप लोगों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि बस मैंगो कट करने हैं, आपको व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना है और कुछ भी नहीं करना। और उसके ऊपर ये जो पाउडर बिल्कुल बना लिया है मेरी बेटी ने कैंडी का, कैंडी बिस्किट्स का, वो जो है इसके ऊपर डाला जा रहा है। तो व्यूअर्स, आजकल हमारे व्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को वॉच करें और मुझे सपोर्ट दें। मुझे सपोर्ट है, आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों से ही मेरा चैनल है, और आप लोगों के लिए ही हम ये सब कुछ करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, हमारी भी सेटिस्फेक्शन है इसमें। बस एक काम में आ गए हैं तो फिर दिल चाहता है कि हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाए, लेकिन आपकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच करें। और जनाब ये बन रही थी बिरयानी, अचानक क्योंकि मेरी बहन का फ़ोन आया कि वो आ रही हैं एक नाइट स्टे के लिए, तो मैंने फटाफट बनाई बिरयानी, क्योंकि बहन काफ़ी दिन बाद आ रही थी। वैसे तो ईद पर आई थी, लेकिन वो ये होता है कि सब आए हुए होते हैं तो फिर इतना कोई मज़ा नहीं आता है। तो उसका नाइट स्टे भी था, तो हम लोगों ने कल रात बहुत इंजॉय किया। और आज हम चले गए हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्यों गए ये आपको आगे जाके पता चलेगा। और ये हमदान जो है अपनी दादी के साथ फुल मस्तियाँ कर रहे हैं, और ये अपने सनग्लासेस भूल गए थे, तो बस मेरे सनग्लासेस पे जो है ना ये बहुत ज़्यादा अटैक पैसे भी करते हैं। तो बस इसी तरह से छेड़छाड़ करते हुए हम लोग जो है पहुँच गए एयरपोर्ट। और क्यों गए ये भी आपको भी बता देते हैं। अब देखिए, अब ज़रा सुकून में आ गए हैं हमदान। तो मैंने कहा यार लगाने दो, नहीं आप उतारे उतारे उतारे, मैंने कहा नो 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 बेबी। Yeah.
आप इंश्योर आपको ले लूँ बताऊँ क्या आप ब्लॉगर बनना चाहती हैं। चलो देखिए भाई एक छोटी सी मेहमान आई है हमारी, ये तो डॉग ये आई है फ्लावर से और हम एयरपोर्ट गए थे मिलने और अब हम आ गए हाई जी करने। तो इंश्योर आप क्या करना चाहती हो, ब्लॉगर बनना चाहती हो तो बस सही है। चलो बस आज से शुरू कर दो फिर ब्लॉगिंग। जी व्यूअर्स आई होप कि आप लोगों को मेरी शेयरिंग जरूर पसंद आएगी और आप लोग जरूर पॉज करेंगे और मुझे बताएंगे कि कैसी लगी। चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।